शेखर जी, हाँ जी, आपने मुझे ना ऐसे बताया नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ आज। लुकिंग वेरी स्वीट। देखो अर्चना जी, बस लड़कियों की तारीफ करवा लो इनसे। बिल्कुल। और वैसे आपको तो पता ना मेरी मिठाई की दुकान है, आपको तो पता होगा, आप परमीत आते हो, जलेबी खाने आते हो। हाँ, परसों आए थे ना आप। हाँ, पैसे कौन देगा? ये देगा। 2.5 लाख रुपए की जलेबियां खा गए ये। थैंक यू। देखो मैंने ना परमीत को हाथ पैर बंद करके ना मैंने गोदाम में रख रखा है, आपने अगर, मैं ना छोड़ूंगी नहीं, सच्ची बता रही हूँ, पैसे आज ही दोगे आप। हाय, तेरा बेड़ा गरक, तेरी जवानी को आग लगे। एक बात बता मेरे को, जब जलेबियां इसने खाई थी तो परमीत को क्यों बांध के रखा तूने? हैं, सब जानती हूँ तेरे जैसी लड़कियों को मैं। हाँ, तू बड़ा सुन रही थी बुढ़िया, बकवास बंद कर अपनी। बुढ़िया मत कह मेरे को, मैं तेरे को बोल रही हूँ अभी भी 4 रात लौंडों को फंसाने का दम रखती हूँ मैं, ऐसा मत समझ मेरे को तू। ये मेरी बात सुन। हाँ? ये वही है मर्डर वाली? वही लग रही है। हाय बेटा, एक बात बताऊं, मैंने मर्डर देखी, हाय इतना भी मजा ना आया मेरे को। क्या बात कर रही हो, मजा नहीं आपको? मैं सीढ़ी लगा के देख रही थी बेटा। अच्छा। और सीढ़ी बार बार अटक रही थी और मुंह ही अटकी भी वहां जहां पप्पी वाला सीन चल रहा था। हाय मैंने तो इतने मजे ना लिए जितने सीडी प्लेयर ने ले लिए बेटा। मैं लिखा बेटा एक बात तो बता, ये इमरान को क्या चस्का लगा दिया तूने मर्डर में? है नहीं, एक बात बता, खुद तो मर्डर करके निकल गई, वो लोगों की बहू बेटियों को से अब तक चिपका हुआ है। बेटा मैंने सुना अभी तू नागिन बन के आ रही है, हैं सच में बन रही है? क्या जरूरत थी बेटा, सारे हिंदुस्तान के मर्द तो पहले डसे हुए तूने, अब तो मैंने सुना चीनी मर्द भी तेरे पीछे पड़े हुए हैं, निकी निकी आंखों वाले। हाय, और तू बड़ा उछल उछल के हंस रही अर्चना है। उम्र में मेरी और इसके कोई फर्क नहीं है, खाली अच्छी कंपनी का मेकअप यूज करती है ये। हाँ ज्यादा मत बोल, उसके डोले देखे कितने बड़े हैं। बेटा डोलों से कुछ नहीं होता, उसको पूछ, बगल में दबा के कैंपा को लगा ढक्कन खोल सकती है। बुढ़िया ज्यादा मत बोल, सीधा ये बता दे क्यों आए यहाँ पे। हाय बेटा मेरे को मिठाई खिला कोई अच्छी सी, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है। तेरा बर्थडे और वो भी हैप्पी? मैं क्या गमले में पैदा हुई थी कमबख्त तुम्हारी? और पता है कल तो मैं अभी सिर्फ 90 की हो रही हूँ, ऐसा कर कोई ताजी सी मिठाई ढूंढ के दे। खुद बासी और मिठाई चाहिए ताजी। तेरे मुंह पे मारूंगी, ज्यादा बकवास मत कर, बंगाली रसगुल्ले रखे तूने? हाँ है ना। आए मेरे को बंगाली चीजें बड़ी पसंद है, पता तेरा दादा भी बंगाली है। अच्छा। हाँ ऐसा कर 10 किलो रसगुल्ला बांध दे। 10 किलो? हाँ। इतने नहीं बांध सकती मैं। हाय कैसी लड़की है तू, 80 साल हो गए तेरे, 70 साल के दादा को मैंने बांध के रखा हुआ है, तेरे से 10 किलो रसगुल्ले ना बांधे जा रहे हैं? कम कर दे बुढ़िया, अब भी बांध दूंगी। हाँ तो फिर ऐसा कर 2 पीस बांध दे। 10 किलो से सीधा 2 पीस में आ गई। मैं तो ऐसी हूँ बेटा, मैंने तेरे दादा को शादी वाले दिन बोल दिया था बच्चे होंगे तो 35 के ऊपर, नहीं तो 1 भी ना करूंगी मैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, 37 बच्चे हैं हमारे। 37 बच्चे? हाँ बेटा, ज्यादा इसलिए नहीं किए, तेरे दादा को काम पे भी जाना होता था फिर। अच्छा। तेरे को पता है मेरे 37 बच्चे है ना, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले में 36 साल का फर्क है। अच्छा। और कभी कभी तेरे दादा को टाइम ना लगता है ना, तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे वाले का बाप बन के चला जाता है फादर डे पे। हाँ। हाँ। और बाकी लड़के क्या करते हैं तुम्हारे? बाकी लड़कों में बड़ा इंटरेस्ट है तू, है दबाव मारी। तेरे को पता तेरा दादा कौन है? नहीं कौन है? ये जो सामने बैठा हुआ तेरा दादा है। ओ नहीं नहीं नहीं, कितना जवान लगता है, कितना हैंडसम है, ऐसा नहीं लगता। बेटा जवान वान कुछ नहीं, जैसे तू अपनी मिठाई पे चंपी लगा के बैठी वैसे चंपी लगा के बैठा हुआ है। और नहीं तो क्या, अब बड़ा खुश हो रहा है, खुद तो 2 औरतों के बीच में बैठा हुआ है, खुद तो टाइम का पता नहीं चल रहा, हमारे 15 मिनट हो गए, मुस्कुरा कर यार नंबर दे दो थोड़े से। शेखर साहब, टाइटैनिक में आपका स्वागत है। वैसे शेखर साहब एक बात बताएं, टाइटैनिक के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं, पेंटिंग वाले सीन को छोड़ दो। और आपको पता, उसी सीन के वजह से पेंटर लोग इतने मशहूर हो गए कि हर कोई अपने हाथ में ब्रश और डिब्बा लेके घूम रहा है। वैसे अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ओह थैंक यू। मेरा तो दिल करता है आपकी भी पेंटिंग बनाऊं। नहीं नहीं, वो वाली नहीं, आप पेंटिंग बनवाने के चक्कर में सीरियस होके बैठ जाएंगी।
उनका तो चलो जहाज डूबा था, हमारा तो एक्ट डूब जाएगा कि नहीं। शेखर साहब 3 दिन हो गए समंदर में घूम रहा हूँ जहाज लेके, साली कोई सवारी नहीं आ रही, मैं तो सोच रहा हूँ जहाज को लेके सड़क पे निकल जाऊं। मेरी छतरी थोड़ा खराब हो गई थी, सॉरी। एक तो बेड़ा गर्क हो गए, जब से पार्टनर मैंने डांसर ली है ना, डांस किए बिना एंट्री नहीं लेती। मेरा तो दिल करता मैं भी शेखर जी की तरह कुर्सी लगा के आधा घंटा इसका डांस एंजॉय करूं। वैसे मैडम एक बात बताओ, इधर करने क्या आई हो? मैं यहाँ डूबने आई हूँ। डूबना क्यों चाहती हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मुझे धोखा दे दिया। सच बताओ। मुझसे ना एंकरिंग नहीं हो रही। तुम कहीं कॉमेडी सर्कस की एंकर अनीता तो नहीं? देखो मैडम ऐसे डूबने उबने की बातें मत करो, देखो मेरी बात सुनो, क्यों डूबना चाहती हो? इतनी खूबसूरत भगवान ने दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत अर्चना जी, इतने खूबसूरत शेखर जी, इतना खूबसूरत सेट है, कितना सब कुछ खूबसूरत। और ये वीआईपी। चुप हो गए। छोड़ो मैडम, कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती, छोड़ो बड़ा क्या है। और ये सुरेंद्र। मैडम मैं तो कहता हूँ भगवान वान है ही कुछ नहीं। सब छोड़ो, आप एंजॉय करो, आओ मैडम जहाज पे बैठो, आप जहाज पे बैठो। प्लीज मुझे मर जाने दो, मुझे डूबने दो। मर जाना लेकिन किसी गरीब के काम ना आना तुम। चलो आओ तुम्हारी पेंटिंग बनाऊं। पेंटिंग? हाँ, फिल्म नहीं देखी तुमने? देखो डूबने से पहले पेंटिंग बनानी पड़ती है। एक्सक्यूज मी, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। तो मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हुई, वो अच्छे घर की नहीं थी? हैं? वो इतनी वो क्या ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी? चुपचाप खड़ी रह, पोज बना चल। पोज बना चल। तेरा बेड़ा गर्क, मैं तेरी पेंटिंग बना रहा हूँ कि तेरी ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल रहा हूँ? सीधी सीधी खड़ी रह। सीधी खड़ी रह। पोज मारने को बोला था तो पोज मार। सीधी खड़ी रह और नाक अंदर कर अपना। नाक? नाक कैसे अंदर करूंगी? जब एंकरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब पूछा था एंकरिंग कैसे करूंगी। चुप चुप खड़ी रह, चल इधर आ। ओए होए, एक तो जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया, उतर के धक्का लगा। दिमाग खराब है, समुंदर को कैसे धक्का कैसे लगाऊं उसको? अच्छा जब हम लोग शो में तुझे धक्के से चला सकते हैं, तू धक्का नहीं लगा सकती? इधर जाके यहाँ से। ओह वाजपेयी साहब जी। सर वेलकम। अरे थैंक यू सर। सॉरी सर, मैंने देखा ही नहीं आपको। वैसे बात पता क्या, देख मैंने लिया था आपको। हाँ। और वो कमबख्त राइटर साले ने आपके बारे में बातें 5वें पेज पे लिखी, मैं क्या करूं? पुराना दुश्मन है मेरा। कोई बात नहीं वाजपेयी साहब, मुझे आपकी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। जी थैंक यू सर। सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। पहले आपको मैं वेलकम कर लूं वाजपेयी साहब जी, आपके स्वागत के लिए मैं कुछ लाया हूं। हाय हाय क्या बात है। वाजपेयी साहब आपकी मुझे सारी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। जी जी। मतलब हाथी मेरे साथी, ये अपना आया सावन झूमके के बाद अगर मुझे कोई फिल्म अच्छी लगी है, नहीं नहीं, इनके बाद अगर मुझे कोई फिल्म अच्छी लगी तो आपकी शोले फिल्म। नहीं नहीं, मतलब शोले फिल्म भी अच्छी थी, उसमें क्यों नहीं आया आप? वैसे सर एक बात बताऊं, अब आप आ गए हैं तो हमारी गलत फहमी क्लियर हुई है जी। नहीं तो शेखर जी ने आपकी इमेज बड़ी खराब कर रखी है। जी, अरे, 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 क्या? हर चैनल पे आपकी मिमिक्री कर रहे हैं, बोलते वाजपेयी साहब ऐसे बोलते हैं कि ये अच्छी बात है। सर जी वैसे एक बात बताऊं जी, मैंने सुना आप 10 तोले की प्रमोशन करने आए। जी सर जी, वैसे थोड़ा सा लेट हो गए, आपको पता है 5 साल पहले संजय दत्त 50 तोला 50 तोला कर रहा था। ये तो कुछ नहीं सर जी, आप तो 10 तोले लेके आए ना जी, कुछ एपिसोड पहले बप्पी लारी 150 तोले लेके आए थे। आया नहीं कोई ग्राहक भी दूसरा। ब्रम 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 ब्रम। हेलो हेलो मैडम, कौन हो आप? मैं डाकू। और करो 10 तोले 10 तोले आगे डाकू। वैसे मैडम एक बात बताओ, एक मिनट मैडम, काफी खतरनाक डाकू लगती हो, घोड़ा लेके समंदर में उतर आई हो? दरियाई घोड़ा है साले, तू स्कूटर लेके निकल गया, वो काफी चाहिए है?
ओ मैडम कुछ नहीं, मेरा स्कूटर तो पानी में गिर गया, गीला हो गया, मैंने निकाला नहीं, तब से पानी में चला रहा हूँ मैं। और सुनाइए मैडम। बकवास बनकर जो है तेरे पास सब निकाल चल। मैडम मेरे मेरे पास कुछ नहीं, दो बनियाने फटी हुई, आपको आएंगी नहीं, फायदा क्या है? गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। समुंदर में गड्ढा आएगा? जब स्टेज पे इतना बड़ा समुद्री जहाज आ सकता, समुद्र में गड्ढा नहीं आ सकता। वैसे मैडम एक बात बताओ, जब आपको पता है अगले 10 मिनट आपने मेरे साथ ही एक्ट करना, घोड़े को क्यों थका रही हो? जहाज पे आ जाओ। देखो वैसे बात तो सही है, रुको एक बार। आप जहाज पे आ जाओ, हम लोग जहाज घोड़े पे रख लेंगे। आ जाओ आ जाओ। हाँ। ध्यान से गिर ना जाना, बंदूक मुझे पकड़ा दो बंदूक। हाँ, ये लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरी माँ की क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? जो है निकाल, अब तू निकाल जो है तेरे पास। निकाल 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 निकाल। ओ इससे जाके ब्रेड पे जैम लगा, तू अंधी, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ में पिस्तौल है, गोली मारूंगा तेरे भेजे में, नाक फोड़ के रख दूंगा। इसमें एक भी गोली नहीं है। बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना, बहना मेरी। नाच के दिखा, नाच के। माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था दीदी, मैं मजाक। को पता नहीं कितने खतरनाक खानदान से हूँ मैं, बिग बॉस में मेरी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिग बॉस में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तानी एक्टर। वो डाकू की बहन एक्टर कैसे हो सकती है? डाकू की बहन एक्टर ना सही, डाकू की बहन पाकिस्तानी तो हो सकती नहीं जगह। पता है प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मुझे लोग कहते हैं कि आप पुराने पंच बोलते पुराने पंच बोलते, मैं करूँ क्या? एक्चुअली मेरी बात समझे आप, कॉमेडी सर्कस 3 साल से वही चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? वही जज है, वही सुरिंदर है, और प्रोग्राम का नाम भी वही। मैं तो कंबख्तों कहता हूँ कम से कम प्रोग्राम का नाम चेंज करके CID रख लो, वो बुरा कोई? और तो और मेरी बात ही नहीं मानते, मैं तो कहता हूँ एंकर ही चेंज कर लो कम से कम। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं सॉरी, मैं क्यों, मेरे को क्यों चेंज करना है? हाँ फंबल कहीं। तुम अनीता तो नहीं? हाँ मैं अनीता हूँ। ओह अरे तुमने कहा था कैरेक्टर चेंज कर कर आओ, देखा कैरेक्टर चेंज करके आ गई, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। डार्लिंग मैंने तुम्हें कैरेक्टर चेंज करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था जॉब चेंज कर लो। 100-100 रुपए में क्या एंकरिंग करने का फायदा? फेस्टिवल का सीजन है, मैं कहता हूँ एक हाथ में मेहंदी लगाओ 75 रुपए मिलते हैं, दो हाथ में मेहंदी लगाओ 150 रुपए, शाम को कमा के घर जाओगी, क्या चक्कर पड़ी? नहीं मेहंदी नहीं लगा सकती मैं। मेहंदी लगा नहीं सकती तो मेहंदी लगवा तो सकती हूँ मेरे नाम की? मैं तो कहता हूँ मैडम मेरे नाम की मेहंदी लगवाओ, क्या सोनी चैनल के पीछे पड़ी हुई हूँ? मैं ठहरा कॉमेडियन, तुम ठहरी एंकर, अपना खुद का बड़ा सा चैनल बनाएंगे सिटी केबल, छोटे छोटे दो कॉमेडियन होंगे, छोटे छोटे एक्ट किया करेंगे, गोली मारो, तैयार हो जाओ। मैं तो कहता हूँ मैडम मैं तैयार हो गई। तैयार हो? हाँ जी। चलो फिर एंड वाला गाना बोलते, आ जाओ मैडम आ जाओ, गड्ढे बड़े आ रहे हैं। हेलो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। अब बड़ा स्मूथ चल रहा है इसका जहाज, अब गड्ढे नहीं आ रहे। मैडम गड्ढे आपका क्या पता, जब आप मान ही गई हो गड्ढे बड्ढे छोड़ो, सीधा अड्डे पे चलते हैं। ओ सच में गड्ढा आ गया? गड्ढा नहीं आ गया, जहाज टकरा गया। जहाज टकरा गया? ओ एंड आ गया, एंड आ गया, एंड आ गया। लेकिन एंड में तो जहाज डूब जाता है ना। अच्छा जहाज डूब गया, इधर जो सुबह से हमारा एक्ट डूब रहा है उसका कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी रह। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.